देखो इस मैगजीन में क्या लिखा है, हर रोज सिगरेट पीने से अपनी उम्र कम होती जाती है। अभी भी कहता हूँ छोड़ दो। मैंने तो कब का छोड़ दिया है, मैगजीन पढ़ना ही छोड़ दिया है दोस्तों। साथ में आवारागर्दी करना भी बंद कर दो। अंकल जी, मैं आई कम है ना अंकल जी। और कितना अंदर आओगी, बच्चों देखो ये हमारी नई पड़ोसन है, पढ़ाई में नंबर वन है, हर साल अपनी क्लास में फर्स्ट आती है। सही कहा ना। आहो आंटी, आजकल कंपटीशन इतना बढ़ गया है, जो फर्स्ट नहीं आता ना वो पीछे रह जाता है। ओ आप ना मुँह मिठा करो, मेरे वीर जी ने नई गड्डी खरीदी अमेरिका में। अमेरिका में कहाँ रहता है तुम्हारा भाई? शिकागो। डिलीवरी वहाँ हुई और मिठाइयाँ यहाँ बांट रही हो, ना इंसाफी है। इन आवारा लड़कों के साथ रहना बंद करेगा तो तू भी अमेरिका जाएगा। मेरी माँ भी यही कह रही थी, इन लफंगों का साथ छोड़ दे, कलेक्टर बन जाएगा, चपरासी का होगा। वैसे भी मैं अमेरिका जाके क्या करूंगा माँ? इसके भाई को देख, अमेरिका जाके सेट होके कार भी खरीद ली है। वहाँ कार खरीद कर खुद की गाड़ी का ड्राइवर बनने से अच्छा है यहाँ मैं अपनी बाइक के लिए इसे ड्राइवर रखूं। कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, आंखें बड़ी मत कर, खाना ठूस। हाँ, मुफ्त का चंदन घिस मेरे नंदन। मैंने ठीक कहा ना मायावती? आए हाय, मायावती नहीं जी, गोलू गोलू गुलाटी, एकदम गोलगप्पे जैसे। अरे नाम में क्या रखा है, ये बताओ कितने परसेंट आए तुम्हारे? 99 out of 100 आए जी। मेरी तो ना भूख ही मार गई है, पर इस बार मैं पूरे 100 लाऊंगी। अरे बस कर, अब क्या रुलाएगी मुझे? तुझे कितने मिले हैं? 37 पास। तो इंटेलिजेंट कौन हुआ? मैं। इसने 100 के लिए मेहनत की और 99 लेके आई। मैंने 36 के लिए मेहनत की और 37 लेके आया। इसे मार्क खोने का दुख है, लेकिन एक मार्क ज्यादा लाने का गम मुझे भी है। गम इस बात का कि इसका एक मार्क मुझे मिल गया। चलो यार, कोई मेरा दुख समझता ही नहीं है। आइंस्टाइन जिंदा होते तो आज फिर मर जाते। देखो ना, इतनी बारिश हो रही है फिर भी कलेजे को ठंडक नहीं पड़ रही है, कोई मलम लगाने वाली मिल जाए। मलम किस लिए, मक्खन लगवा लेना। क्या हो रहा है बेरोजगारों? बारिश में फीलिंग खेल रहे थे, तू अपनी फीलिंग बता। ऐसी बारिश में तो मेरे दिमाग में एक ही सीन आता है, एक आलीशान गाड़ी हमारे पास आके रुके। गाड़ी आ गई यार। अब उस गाड़ी के अंदर से एक खूबसूरत हुस्न की परी नजाकत से उतरनी चाहिए। सपने से निकल रियलिटी में आ, पीछे मुड़। ड्रीम सीक्वेंस तो हिट है यार, कुछ और भी मांग ले। अगर अभी बारिश रुक गई ना तो मैं इसे जोर से झप्पी मार लूंगा। तेरा नसीब इतना अच्छा नहीं कि बारिश बंद हो जाए। ऊपर वाला नीचे की सेटिंग में सपोर्ट कर रहा है। चल अब काम पे लग जा राज, मंडली जमा करने का वक्त आ गया। मेरे इरादों को गलत मत समझिएगा, कुछ गुंडे मेरी जान के पीछे पड़े हैं। किधर गया साला? कहाँ गया? सर फोड़ दूंगा। छोड़ेंगे नहीं साले को। हिलना मत, वो तुम्हारे पीछे ही है। मिल गया ना तो टांगे तोड़ देंगे। अब क्या होगा? दिल की धड़कनें तेज हो रही हैं। भाई लोग, वो देखो खंभे को चिपक के खड़े। पीछे मत मुड़ना, वो तुम्हें ही देख रहे हैं। कौन कमबख्त मुड़ना चाहता है। थैंक यू वेरी मच, आज मुझे ये झप्पी देकर आपने मेरी जान बचाई है, मैं ये एहसान कैसे चुकाऊंगा? इंसान ही तो इंसान के काम आता है, इसमें एहसान की क्या बात है। बाय बाय। ये क्या नाटक है? ये तो तुम्हारी जान के दुश्मन थे ना, अब दोस्त बन गए। पक्के दोस्त।
कैसे? हाउ? मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। लड़ झगड़ कर जिंदगी बर्बाद मत करो। पैदा करने वाला ब्रह्मा, जन्म देने वाली अम्मा। मत करो मरने मारने का ड्रामा और सुधार लो अपना कर्मा। यही डायलॉग मैंने ड्रामा कॉम्पिटिशन में बोला था तो मुझे फर्स्ट प्राइज दिया था। कुछ लड़कियों ने फ्लाइंग किस भी दी। आपको भी वैसा रिस्पॉन्स देना है तो दे सकती है। क्यों बे? नाटक कंपनी के डायलॉग चिपका कर मुझे पटाने की कोशिश कर रहे हो? देख लूंगी। कब देखेंगी? देखिए ना, मैं यही हूँ। हेलो। हाँ सेक्रेटरी, बोल। तेरी माँ दादी, कॉल मी बेबी, बेबी बॉबी डॉल। क्या रे छमिया हो, फ्री टाइम में गेम खेल रही हो? बॉडी मेरे जैसा मेंटेन करो। मेरे तो तुम दोनों सुनते ही नहीं हो। तुम्हारी उम्र में 250 लड़के मेरे पे लट्टू थे, अब तुम्हारी शादी होने वाली है, क्या सोचेगा लड़का? दीदी, ये हमारी केयरटेकर है या फिर हम इनके? अपनी तारीफ करते थकती ही नहीं है। मिस्सू जानू, सच्ची। इसको क्या हुआ? फोन को किस क्यों कर रहा है? अरे इसकी आइटम गांव गई है, इसलिए फोन पे ही काम चला रहा है। उसका स्कोर क्या हुआ? सेंचुरी मार चुका है। अगर वो कल वाली लड़की लाइफ में आ जाए तो मैं भी सेंचुरी पे सेंचुरी मारूंगा। काश वो दिन जल्दी आए। उसके लिए या तो बारिश होनी चाहिए या कोई रोमांटिक गाना बजना चाहिए। गाना भी बजने लग गया लेकिन वो लड़की। बंटी बाइक को किक मार। मैडम यहां पर नो पार्किंग है। ए छोटा सचिन, इधर आ। Well, this little man is the nearest thing to Bradman there's ever been. What a player he is. And he's going to finish this off quickly. Have a look at that shot. Oh, he's hit this one, Myers. Right shot. Oh, it's a piggy. अबे कुत्ते कमीने, किसका नंबर चिपका के आया है? यहाँ टेंशन से जान सूख रही है। यार उस नंबर में बहुत सारे सिक्स थे। डबल सिक्स था क्या? हाँ। मेरा दे दिया। बिल्कुल करेक्ट। काश तूने तोड़ा, नंबर मेरा चिपका के आ गया। तेरी वजह से मैं फंसूंगा, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था यार। मैडम किसी ने हमारी गाड़ी का कांच तोड़ दिया। हेलो, आपकी गाड़ी का कांच टूटा है ना? हाँ भैया। यार उसका फोन है। हेलो, आपने गलती से मेरी गाड़ी का कांच तोड़ा इसलिए नंबर लिखा? गलती से नहीं, जानबूझ के तोड़ा है। What? क्यों? तुमने नो पार्किंग में कार पार्क क्यों की थी? उससे तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? तुम्हारी कार समाज के बनाए उसूलों के खिलाफ खड़ी थी, इसीलिए मैंने वो तोड़ दी। तो अपना नंबर क्यों लिखा? अगर फिर से नो पार्किंग में पार्क किया ना तो कांच की जगह हेडलाइट होगी। वैसे तुम्हारा नंबर मुझे चाहिए था, इसीलिए पड़ोसी का नंबर छोड़ दिया। थैंक्स फॉर द कॉल। बच्चों, स्विट्जरलैंड बेटर है या बैंकॉक बेटर है? शादी के पहले बैंकॉक, शादी के बाद स्विट्जरलैंड। तो हम स्विट्जरलैंड चले जाएंगे। अरे हाँ, जुबली स्कूल अच्छा है या सेंट पॉल? अबे क्या इस उम्र में स्कूल जाने का सोच रहा है? मेरे लिए नहीं, बे होने वाले बच्चों के लिए। अबे जलेबी की तरह बात को मत घुमा, सीधा पॉइंट पर आना। हे, मेरा उस लड़की पे दिल आ गया है। उस तितली के सामने तो फिल्म की हीरोइनें भी फीकी हैं। और भाई लोग, अपना स्टैंडर्ड भी किसी फिल्म के सुपरस्टार से कम थोड़ी ना है, है ना? बस जानना ये है कि उसने अब तक कितनों का दिल तोड़ा है।
ਹਾਏ ਸ਼ਾਟ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਮਾਰਿਆ ਲੱਗਿਆ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਸੋਣਿਓ ਹੁਣ ਤੇ ਹਾਂ ਕਰ ਦੋ ਨੋ ਵੇ ਇਧਰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਇਧਰ ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ ਜੇਬ ਮੈਂ ਸਲਿਪ ਹੈ ਪਰ ਬੈਂਕ ਮੈਂ ਬੈਲੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪਾਲਿਸੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਤੁਹਾਰਾ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਘਰ ਹੈ ਮੇਰੀ ਕਿਸਮਤ ਇਤਨੀ ਵੀ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਹਾਰੀ ਕਿਸਮਤ ਬਦਲ ਦੂੰਗਾ ਮਾਨ ਯਦਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਸ ਨਾ ਯਾਰ ਆਨ ਬੌਂਤਰੀ ਯਮਰ ਗੰਦਨੇ ਸ਼ਮਰੋ ਮਾਨ ਰੇ ਤੈਲੀ ਤੋ ਡੂਬ ਮਰੋ ਜਾਨੋ ਤੁਮ ਜਾਨੋ ਮੇਰੀ Excuse me, are you ready for a second marriage? আমি তোমাকে খুব ভালোবাসি। আমি তোমাকে খুব ভালোবাসি। মাম্মি পাপা কো ভেজু। আচ্ছা কাই করতেস গ? হো বল না রে। হে, মই তোমসে উমরে মে বড়ি হুম। ইয়ে কিয়া বাত হুই? প্যার মে কোই বড়া ছোটা নহীं होता। আই শপথ মানা লাভ জালা হ্যায়। বাত কিয়া খন্ডারা। নন্সেন্স। তো ফির খোপতে মে জান। উসকে পিছে তো রোমিওস কি লম্বি চৌড়ি লাইন লাগি হুই হ্যায়। कुछ ऐसा करना होगा कि मेरा थोबड़ा उसके दिल के अंदर रजिस्टर हो जाए कुछ सोचना होगा सानी मगरे। बेटा मंदिर जा रहे हैं घर का ख्याल रखना अंकल जी मिठाई हे भगवान पंजाब का ढाबा फिर धावा बोलेगा अब भाई ने क्या खरीदा बेटा 100 में से 100 आए हैं जी मैंने तो फट्टे चक देते उनको भी खिला दो बेटा शायद थोड़ी सी अकल आ जाए हमारा कहीं के हटो भाई लोग लॉरी आ रही है आजा आजा जी लड्डू अरे इतनी क्या जल्दी है तुम पहले बैठो अच्छा गुलाटी तुमने अपने होने वाले पति के बारे में कुछ सोचा है पति मतलब घर वाला पहले पता होता तो गूगल पे सर्च करके आती सिगरेट ना पीता हो शराब को हाथ ना लगाता हो और रोज सवेरे चप्पियों और पप्पियां देके मुझे उठाए ओए मत्थे पे उल्लू दे पट्ठे और ऑफिस से जल्दी कार आके मक्की दी रोटी बना के मुझे अपने हाथों से खिलानी होगी वाओ कितनी घरेलू हो तुम सच्ची जी थैंक यू जी खाना भी उसी से बनवाएगी फिर रात को ना रात को मेनू छोटी बच्ची की तरह लोरी गा के उसे सुलाना होगा बस इतना ही इस बोरी का बोझ उठाने के लिए 2.5 किलो का हाथ ही चाहिए अबे मेरी किस्मत थोड़ी फूटी है ओवर एक्टिंग की औलाद ज्यादा समझ में आता है ज्यादा समझ में आता है तो चुपचाप बैठ एक बात याद रख आज के बाद फिर कभी यहाँ 100 out of 100 लाने की खुशी में गुलाटी की मिठाई लाई ना तो तेरी फाइनल एग्जाम की हॉल टिकट पर अपनी फोटो लगाकर मैं एग्जाम दूंगा नो जी नो गोलू यस नो चीटिंग करने के इल्जाम में तुम्हें अंदर कर देंगे और बेचारा तुम्हारा भाई अमेरिका के एयरपोर्ट पर तुम्हारा वेट करता रहेगा ओह नो यस हेलो मैं ना एक स्यापे में फंसी हूँ आई विल कॉल यू बैक कौन थी कॉलेज फ्रेंड है तुम कौन सी कॉलेज में पढ़ती हो मैं नहीं दसूंगी मेरी हॉल टिकट चुराना चाहते हो ना कॉलेज का नाम क्या बताओ अरे मेरी पावली कम पड़ोसन तुम बताओ या ना बताओ वो तो मैं चुराऊंगा ही तुसी ऐदा ना करो बताती हूँ बंटे पेन और पेपर लेकर कॉलेज का नाम नोट करो ठीक है सेंट फ्रांसिस कॉलेज रब जी मेरी ना तो अनुई करदास है जी मैं फर्स्ट आना चाहती हूँ पूरे 100 में से 100 मार्क्स लाना चाहती हूँ और कोई भी मेरे से आगे ना निकल सके कोई फर्स्ट तो क्या सेकंड भी ना आए बस इतनी अरदास सेकंड तो क्या मैं चाहती हूँ सब फेल हो जाए जी ना रहेगी कंपटीशन ना होगी मुझे कोई टेंशन है ना तू इत्थे क्या कर रहा है तुम्हारी फ्रेंड को टाइटली हग करने के लिए मैं कंप्लेंट कर दूंगी मैं हॉल टिकट चुरा लूंगा ओह नो यस देखो उसे तुम्हारे पीछे आने को कहो ये मुश्किल नहीं ना मुमकिन है देख रानी मनुष्य फैसला कर ले तो कुछ भी मुश्किल नहीं होता अब्दुल कलाम ने कहा था आज इंसान आसमान में चांद को झप्पी दे रहा है तो क्या मैं तुम्हारी दोस्त को झप्पी नहीं दे सकता ट्राई करके देखूं क्या प्रभु बचा ले ये पापी नहीं जानता ये कितना पिटने वाला है वैसे तुम्हारा कांच मैंने ही तोड़ा था अरे यार मेरी दोस्त को इतना क्यों परेशान कर रहे हो छोड़ दो प्लीज बस ये मेरे साथ एक फोटो खिंचा ले फिर मैं गुल हो जाऊंगा फोटो फोटो किस लिए खिंचवा ले ना इससे पीछा छूट जाएगा प्लीज ए चला जा हाँ आया भाई पूरी तैयारी के साथ आए हो करना पड़ता है मैडम क्या लग रहे हो क्या कहा कंधे पे हाथ रखूं अपने मन की बात मेरे मुंह से सुनना चाहते हो बेचारे की नौकरी चली जाएगी और रखने दे पतली थोड़ी हो जाएगी खींच ले मिस्टर
मेरे मम्मी पापा ने ये फोटो देखी और मन ही मन तुम्हें अपनी घर की बहू मान लिया है। तुम्हें घर पे चाय पे बुलाया है। Don't act too smart. I don't need to act. I'm already smart. क्यों है ना?